तो फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डॉक्टर अंबेडकर पार्क, और ये देख सकते हैं अंबेडकर पार्क पहुंच चुके हैं हम लोग, और ये इसका मेन हाईवे है। तो अभी हम लोग ना यहाँ से एंट्री करने वाले हैं। तो मैं पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ, आज पूरा एक्सप्लोर करूँगा था अंबेडकर पार्क, और यहाँ पे कितनी कितनी खूबसूरत क्या क्या चीज़ है वो दिखाऊँगा। रील्स बनाने के हिसाब से या यहाँ पे आ सकते हैं घूमने के लिए। काफ़ी प्यारी लोकेशन है, अभी तो मैंने एंट्री की है, जस्ट सामने इतने सारे हाथी हैं यहाँ पे, और वो देखेंगे कितने हैं, पूरे टोटली काउंट करेंगे और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय आएगी आज इस ब्लॉग में। जैसे कि मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ यूपी की राजधानी लखनऊ शहर को, और अभी मैं हूँ इस वक्त द अम्बेडकर पार्क लखनऊ में, और आज आप लोगों को यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री एक्सप्लेन करूँगा। ये देख सकते हैं ये टोटली जितने भी यहाँ से दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये टोटली ये जितने भी हाथी हैं ये 60 हाथी हैं। ये इतना बड़ा पार्क है, एक पार्क द अम्बेडकर पार्क दिल्ली में भी है और एक पार्क ये है। तो ये टोटली इसका लगभग बजट जो है इस पार्क का द अम्बेडकर पार्क, यानी 700 करोड़ का ये पार्क देख सकते हैं। खूबसूरत ना सा जो पार्क बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े हाथी हैं। और जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को जो एक्सप्लोर किया था लखनऊ का जू पार्क, तो लखनऊ के जू पार्क में आप लोगों को एक भी हाथी देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मायावती की सरकार थी तो वो उनका चुनाव चिन्ह रहता है हाथी, तो उन्होंने ना उस पार्क से निकाल के सारे हाथी अपने आज़ाद कर दिए थे। तो यहाँ पे भी उसी के लिए यहाँ पे उन्होंने हाथी पार्क बनवाया है। आप देख सकते हैं टोटल ये 60 हाथी हैं, और ये मायावती सरकार में ही बना था, आप लोग ये तो देख सकते हैं। और सामने देख सकते हैं इन्होंने हमारा संविधान लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और ये देख सकते हैं इनके लिए एक सलूट तो बनता ही है। आज का जो मौसम हो रहा ना, बारिश का मौसम है, और व्यू देख सकते हैं, वेदर काफ़ी प्यारा है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। और तो यहाँ पे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, तो इसके अंदर चलते हैं, अभी शायद एंट्री करने का है यहाँ पे। और तो कमेंट में भी आप लोग जय भीम लिख दें और वीडियो को शेयर कर दें जय भीम वाले। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड, और काफ़ी प्यारी लोकेशन लग रही है। और अभी मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आता हूँ, इसके अंदर दिखाता हूँ आप लोगों को क्या है। बट पहले बता दूँ, जाने से पहले आप लोग, मैं यहाँ पे ना 2 से 2.5 घंटे से घूम रहा हूँ, अभी तक लोकेशन कवर नहीं कर पाया हूँ। इतना बड़ा पार्क है ये अम्बेडकर पार्क, और सामने देख सकते हैं वहाँ भी जाना है, और वहाँ के बारे में भी बताएंगे वहाँ चल के। और ये हाथी जो है, मैंने हाथी का भी बता दिया है, ये टोटल 60 हाथी हैं, और इनके बारे में भी बता दिया है। और अभी मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को अंदर की साइड, और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। ये देख सकते हैं, ओह, तो यहाँ पे जो है उनकी फोटोज भी है, ये देख सकते हैं उनकी मूर्ति है जो कि मायावती थी, ये उन्होंने ही बनवाया था। और ये देख सकते हैं ये भाई, ये छत का जो डिज़ाइन है ना, बहुत ही ख़तरनाक डिज़ाइन है, समझ लो मैं तो पूरा घूम गया भाई, ये समझ लो पूरा घूम गया। और ये देख सकते हैं मायावती, ये आप लोगों को ये साइड लेके चलता हूँ। ये चीज देखो, ये गैलरी जो है ना, ये गैलरी जो जा रही है काफी प्यारी लग रही है, और सामने भी वही है मायावती का जो स्टैचू दिख जाएगा सामने, सेम है जो चीज वहां पे है वही चीज इधर थोड़ी अलग है, ये सेम है, ये चीजें अलग है बस थोड़ी सी।
यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कितनी प्यारी लोकेशन है। और ये देखिए पूरा ना इसका ऐसा पूरा राउंड सी टाइप में है पूरी ये दीवार जो है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बट ये लोकेशन काफ़ी प्यारी लग रही है। तो अभी मैं ऊपर की साइड जा रहा हूँ, इधर का तो हमारा हो गया, इधर घूम लिए हम लोग पूरा ही, और ये पूरे जितने भी टोटल हाथी हैं वो भी बता दिया मैंने आप लोगों को। और अभी मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ और वो दिखाता हूँ आप लोगों को। ओह माय गॉड, इसका गेट देख लीजिए, जैसे कि बड़े बड़े किलाओं का गेट रहता ना, किले जो बड़े बड़े किले होते हैं। और ये देख सकते हैं सामने, यहाँ की मैंने काफ़ी सारी रील्स देख रखी हैं और काफ़ी ज़्यादा प्यारी खूबसूरत लोकेशन। ओह माय गॉड, ये सकते हैं आप लोग। और ये यहाँ पे और ये देख सकते हैं यहाँ पे, और ये खड़ी हैं हमारे, जो कि 2009 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थी, उनका नाम है। मैं आ गया हूँ, ऊपर जा रहा हूँ मैं, और थोड़ी सी और लोकेशन कवर करने से बची है, तो ऊपर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं ऊपर का व्यू क्या है और कैसा है। ये देख सकते हैं, यहाँ से पूरे अंबेडकर पार्क का पूरा ही व्यू दिख। तो अभी मैं आ चुका हूँ टॉप फ्लोर पे यहाँ, और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है पूरा द अम्बेडकर पार्क का, शुरू से ही दिख रहा है जहाँ से एंट्री की थी हमने, और वहीं से ये सामने देख सकते हैं वहां से हम लोगों ने एंट्री की थी। और अभी पूरे अंबेडकर पार्क का व्यू देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही है, और ये देख सकते हैं तो काफ़ी प्यारी लोकेशन है, आप लोग भी विजिट कर सकते हैं एक बार, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आज यहाँ पे घूम के। तो आप लोगों को मैंने द अम्बेडकर पार्क पूरा एक्सप्लोर कर दिया, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ घूमने की है, क्या क्या चीज़ देखने की है, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाई। और मैं अभी यहाँ पे लगभग पिछले तीन घंटे से घूम रहा हूँ, पिछले तीन घंटे यहाँ घूमते घूमते हो गए। उससे पहला मैं लखनऊ जू पार्क में था, और अभी यहाँ पे हूँ, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी ऑन कर दो, और वीडियोस को शेयर कर दो दवा के दोस्तों में। और अभी चलते हैं क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूं आप लोगों को लखनऊ। तो अभी ये मेरा चौथा या पांचवा व्लॉग है लखनऊ का, और अभी मैं यहां पे कल और रहने वाला हूं लखनऊ में। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आज यहां पे, लखनऊ काफ़ी प्यारा लखनऊ है, और आप लोग भी आएँ लखनऊ को विज़िट करें, काफ़ी प्यारी प्यारी लोकेशन है लखनऊ में।